करने का, वही 1984 में हुआ। यही पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है जिस पर हमला हुआ, जहाँ कमलनाथ खड़ा था, वसंत साठे खड़ा था, जहाँ पर दिल्ली का पुलिस कमिश्नर सुभाष टंडन खड़ा था। और ये नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में है कि एक बुजुर्ग आदमी ने वहाँ पे हाथ जोड़े और कहा तेज बहादुर हिंद की चादर, यहाँ पर हमला मत करो। तो उन्होंने उसको आग लगा दी। उसका बेटा 14 साल का, उसे देखा नहीं गया, अपने बाप को बचाने के लिए आगे आया, उन्होंने उसको भी आग लगा दी। और दो लोग ये VIP एरिया के अंदर आग लगा के मार दिए गए। ये मुख्तियार सिंह का हलफनामा है, हिंदुस्तान की संसद में जो रिपोर्ट पेश हुई है। दिल्ली के अंदर 3000 से अधिक मासूम बेगुनाह सिखों का कत्ल किया गया और ये तकरीबन 203 दिन चलता रहा। अगर आप हिसाब लगाओ तो हर एक मिनट में दिल्ली में राजधानी में एक सिख का कत्ल किया गया, जिंदा जला दिया गया। जलाने के पीछे कारण था कि सबूत मिटा दो। जब जला दिए जाएंगे, जब लाश नहीं मिलेगी तो सबूत भी खत्म हो जाएगा। और ये पुलिस जो पुलिस के नाम पर कलंक है, जिसे सुधा मित्तल कमेटी रिपोर्ट ने कहा कि 72 पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन एक पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, सचिन कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये वो जगदीश टाइटलर है जो पुल बंगश गुरुद्वारे के अंदर जब हमला किया गया, वहां पर दो लोग मारे गए, बादल सिंह जो वहां का सेवादार था उसको भी मारा गया, और सुरेंद्र सिंह ग्रंथी जो विटनेस था, जो गवाह था, उसको भी बाद में मरवा दिया गया। ये काम जगदीश टाइटलर ने किया। सज्जन कुमार पार्लियामेंट के अंदर मोती सिंह का हलफनामा है, नांगलोई के इलाके में जहां गिरपुरी की तरफ, और उस समय उसने कहा कि रोशन सिंह और भाग सिंह को जिसने मारा, मैं 500-500 रुपए का इनाम दूंगा, जो सिक्का कत्लेआम करेगा 1000 रुपया दिया जाएगा। ये सचिन कुमार ने कहा, और उसके बाद 500 सिखों का कत्ल उस इलाके में हुआ। और आप ये याद रखिए, ये रिपोर्ट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुई है। CBI जो आज CBI का नंबर 1 नंबर 2 कह रहा है कि केसेस को झूठा फंसाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, हिंदुस्तान की वो जांच एजेंसी जो अपनी सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, वो कह रही है कि केसों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और CBI ने 84 के केसों को सारी छानबीन उन्होंने की है। सचिन कुमार को भी बचा दिया, टाइटलर को भी बचा दिया, भगत को भी बचा दिया। साबित होता है कि ये काम जो है CBI ने किया और सरकारों के कहने पर किया। मॉब लिंचिंग की अगर बात कर ले, आज मॉब लिंचिंग हो रही है, भीड़ बन के मारा जाता है, कभी पहलू थाम के मार दिया जाता है, कभी राजस्थान में मारा जाता है, कभी बिहार में मारा जाता है। तो ये मॉब लिंचिंग कहाँ से शुरू हुई है? ये मॉब लिंचिंग शुरू हुई 1984 के अंदर, और भीड़ बन के मार दो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कोई FIR नहीं होगी, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये हौसला कहाँ से मिला? 1984 इन सब दंगों की माँ थी, जब वहां से शुरू हुआ ये मामला, तो उसके बाद ये 2002 हुआ, उसके बाद सहारनपुर हुआ, उसके बाद असम हुआ, इसकी वजह से ही हुआ ये सब। अगर उस समय सजा दी गई होती, अगर वो मॉब लिंचिंग रोकी गई होती, आज उन अपराधियों को मालूम है कि भीड़ बन के किसी को भी मार दिया जाए, किसी की भी मॉब लिंचिंग कर दी जाए, कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है, कानून कुछ नहीं करेगा, FIR किसके खिलाफ होगी? भीड़ के खिलाफ होगी। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, हम बचाएंगे। और यही मामला चलता आ रहा है। अगर हिंदुस्तान अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, एक तरफ कहते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहां आगे बढ़ रहे हैं? जब इस देश के अंदर कोई कानून और शासन नहीं रह गया है, 34 साल हो गए हिंदुस्तान के अंदर, आज तक सिखों के साथ न्याय नहीं हुआ। 65 की जंग हो, हमने शहीदियां हासिल की, 71 की जंग हो, हमने पाकिस्तान को हराया, चाहे वो जलियांवाला बाग का कांड हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो आजाद हिंद फौज हो, लेकिन क्या सिला मिला? ये सिला मिला कि आपके सिख होने के नाते, आपके सिर के ऊपर पगड़ी होने के नाते आपको जला दिया गया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की फौज के अंदर काम करने वाले फौजी, 10 फौजी अफसरों को मारा गया, जिसकी आज तक कोई निखत पड़त नहीं हो सकी। 10 जगह पर
ट्रेन को रोक के मारा गया, पलवल के यहाँ मारा गया, जिसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई। इंसाफ तो क्या होना है, कितने लोग मारे गए, कहाँ कहाँ मारे गए, ये भी जानने की कोशिश नहीं की गई। और ये कह दिया जाता है कि अब भुला दिया जाना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि रावण ने कब सीता का हरण किया? राम जी ने जाकर वहां पर उसका दंड भी दे दिया, रावण खत्म हो गया, लेकिन आज भी उसको याद किया जाता है, आज भी उसको जलाया जाता है। और हमें कहते हो कि 34 साल के अंदर कि हम भूल जाए, भूला नहीं जा सकता। सबक लिया जाता है, इससे सबक लिया जाता है, सबक लिया जाए, लेकिन सबक लेने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। आज CBI का जो हाल है, जो केस सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहा है, जो टाइगर के खिलाफ चल रहा है, हमें शक है कि जो CBI मोदी और राहुल गांधी मिले हुए, ये सच्चाई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकारें हैं इसलिए इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन जब मोदी की सरकार बनी तो कौन सा इंसाफ हो गया? मोदी ने SIT बनाई, मोदी ने SIT बनाई, प्रमोद अस्थाना को उसका चीफ बनाया, लेकिन उसने 2 साल के बाद कहा कि कोई केस खोलने की जरूरत नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपनी SIT बना के, अपनी बेंच बना के जांच कराएंगे, कौन सा केस बंद किया जाए, कौन सा खोला जाए। शर्म आती है इस हिंदुस्तान के अंदर कि 34 साल के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सा केस ओपन किया जाए, कौन सा बंद किया जाए, ये जांच शुरू हो। जब सुरिंदर सिंह ग्रंथी गवाह चला गया, जब गुरबचन सिंह गवाह चला गया, जब वो गवाह आज 34 साल बाद दुनिया में नहीं है, तो इंसाफ कहां से होगा? याद रखना, इंसाफ होने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इंसाफ दो, मैं कहता हूं इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि हजारों लोग कत्ल किए गए, लाखों दुकानें लूटी गई, लाखों घरों को लूटा गया, लाखों लोग जख्मी हो गए, मारने वाले हजारों में थे, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। जब आप उनको सजा नहीं दे सकते तो इंसाफ कहां से होगा? हाँ, अपनी अगली पीढ़ियों को बचाना होगा। हाँ, ये काम करना होगा कि कम से कम सज्जन कुमार और टाइटलर जैसे कातिलों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, ताकि एक डिटरेंट पैदा हो, ताकि लोगों में एक खौफ पैदा हो। मैं भी 15 साल तक पत्रकार रहा, और पत्रकार रहते हुए पार्लियामेंट कवर की, डिफेंस कवर किया, प्रधानमंत्री ऑफिस कवर किया, और करते करते जब देखा कि सज्जन कुमार टाइटलर को क्लीन चिट दे दी गई, जब देखा इनको टिकट दे दी गई, तो देश का गृह मंत्री कहता मैं बहुत खुश हूँ कि इनको टिकट दे दी गई, मैं बहुत खुश हूँ इनको क्लीन चिट मिल गई, तो जूता उठा के मारा उस गृह मंत्री के मुंह के ऊपर। और आपको मालूम है उसके बाद सज्जन कुमार टाइटलर की टिकट कटी, और कटने के बाद आज तक दोबारा देने की हिम्मत नहीं हुई। मैं फिर कहता हूँ, आप कहते हो कि अर्बन नक्सली, आप किसी को और कुछ नक्सली कहते हो, तो ये बताओ जो दिल्ली के अंदर, जो रांची के अंदर मार रहे थे वो कौन लोग थे? वो सरकारी आतंकवाद था। अभी पहले NIA ने ये साध्वी प्रज्ञा का मामला, ये कर्नल पुरोहित का मामला, जिन्होंने मालेगांव के अंदर लोगों को मार दिया, क्या ये फर्क किया जाएगा कि हिंदू मरे तो फर्क है, सिख मरे तो फर्क है, मुसलमान मरे तो फर्क है? जब हम सब नागरिक है और संविधान एक है, तो ये फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फर्क है, इसको मिटाना होगा। याद रखिएगा, अगर इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जो फिरकापरस्ती की ताकतें हैं, ये आपके अधिकारों को खत्म कर देंगी। मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर लोक राज संगठन के लोगों का धन्यवाद करता हूँ।